नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। रिपोर्टिंग के कार्य से हमें इंदौर से बाहर अलग अलग जगहों पर जाना होता है और इसी संदर्भ में हम किसी एक स्थान पर जा रहे थे तो धार जिले के पहाड़ी क्षेत्र में से हम यहां से गुजर रहे थे और एक रमणीक स्थल हमें यहां देखने को मिला और हमारा मन हुआ कि हम इस स्थल इस जगह की जानकारी आपको भी दें। तो कभी आप लोगों का मौका लगे इस ओर से निकलने का तो आप भी इस सुंदर क्षेत्र का नज़ारे का आनंद उठा सकें। ये बहुत सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं पीछे एक बड़ा सा तालाब नीचे की ओर पानी का है और बहुत सुंदर लग रहा है वो ऊपर से देखने में। यहाँ बहुत हवाएं चल रही हैं। इस ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहाड़ों का कटाव है इस ओर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ों का कटाव है और इन्हीं कटाव के बीच में से होते हुए ऊपर से नीचे की तरफ घाटी के नीचे सड़क जा रही है। एक छोटा सा घाट भी है और इधर नीचे भी गाड़ी जा सकती है जहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है और बहुत शांति है यहाँ। यहाँ इक्की दुक्की गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ किसी भी तरह का शोर नहीं है और बहुत शांति है। दिन के समय भी आप देख सकते हैं यहाँ बहुत शांति है और दूर दूर तक कोई रहवास नहीं है। कुछ छोटे छोटे गांव हैं जो काफ़ी दूरी पर है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। ये करीबन इंदौर से इस वक्त हम 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर हैं और ये एरिया जो है ये कोद गांव है धार जिले में, बदनावर तहसील के पास में। कोद गांव से के नज़दीक हम बोल सकते हैं, कोद गांव से करीबन 10 किलोमीटर आगे की जगह है। तो कभी आपको मौका लगे तो इस ओर जरूर आइएगा।